हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और मैं करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में स्वागत। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत धूप आई है मस्त। तो हम बाहर आ गए इधर और सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग ही शूट किया जाए आपके लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पेट्रोल प्राइस। हर जगह यही हॉट टॉपिक चल रहा है, जिसको देखो वो यही बात कर रहा है कि हमारे इधर पेट्रोल महंगा हो गया। तो हाँ, अमेरिका में भी हाँ पेट्रोल महंगा हो गया है। हाँ, तो इन्फ्लेशन है वो सब जगह हिट हो रहा है। इंडिया में भी पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं और सेम अमेरिका में भी जा रही हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी आपको व्लॉग में कि पहले क्या प्राइस थी और अभी कितना बढ़ गया है पेट्रोल का प्राइस वो। और यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल पेट्रोल भरते हैं उसको, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मतलब यहाँ पे कोई आपको हेल्पर नहीं मिलता है कि वो आपके लिए पेट्रोल भर देगा, नहीं तो फिर आप कैसे भरोगे। तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। हम एक पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो वहां जाके फिर बात करते हैं हम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर हिट कर देना, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, तो अभी हम आ गए पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे पास में ही था, शेवरॉन का पेट्रोल पंप था तो इधर आ गए। तो अब मैं आपको इधर का प्राइस दिखाती हूँ कि अभी कितना चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैलन के हिसाब से चलता है, जैसे इंडिया में लीटर चलता है वैसे इधर गैलन होता है। 1 गैलन में और 3.7 लीटर होता है, तो 4.25 लीटर के आसपास होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्या प्राइस है उसका। पीछे जाना पड़ेगा तो वहाँ चलते हैं अपन। ये पेट्रोल का प्राइस चल रहा है अभी 5.39 है और सुप्रीम का है ये। और ये ही आप प्लस डालाओगे तो 5.919 और ये 4.99 रेगुलर। और डीजल का प्राइस दिखा रहा है 5.99। इधर डीजल महंगा मिलता है पेट्रोल से। हाँ, तो अभी देखिए आपने फ्यूल प्राइसेस 5.3 का मिल रहा है और वो है 5.3 पर गैलन। तो 1 गैलन में 3.5-4 लीटर के आसपास होता है। 400 रुपये में आपको 4 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, तो वही 90-100 रुपये के आसपास में है पर लीटर यहाँ पे। तो ये प्राइस हाँ इंडिया से तो सस्ती है, नो डाउट। इंडिया में तो 116 रुपये पर लीटर चल रहा है अभी। कल पर से बात कर रहे थे घर पे तो वो बता रहे थे। और यही प्राइस कुछ महीनों पहले तक क्या थी, 3 पॉइंट समथिंग थी। मतलब कि 60 रुपये में पर लीटर, 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल रहा था, वही अब बढ़ के और 90 रुपये पर लीटर के हिसाब से हो गया है। मतलब $2-2.5 का इंक्रीज आ गया है इन प्राइसेस में, और तो काफ़ी अंतर आ गया है फ्यूल प्राइसेस में। तो वो सब जगह ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही बढ़ रहा है, तो अमेरिका में भी वही बढ़ रहा है। और हाँ, कैलिफोर्निया में ये प्राइसेस जा रही है 7 डॉलर के भी ऊपर जा रहा है पर गैलन। तो वहाँ तो 500 रुपये में आपको 3.5 लीटर पेट्रोल मिलेगा, तो वो तो और ही महंगा हो रहा है उधर तो सब कुछ में। पता नहीं कहाँ जाएगी महंगाई। और कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें वो बता रहे थे कि जो लोग यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर पे रहते हैं ना, तो वो लोग यूएस वाले और मेक्सिको जा रहे हैं फ्यूल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि मेक्सिको में थोड़ा सस्ता है पेट्रोल। लोग वाग ऐसा भी कर रहे हैं। हाँ, और अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता पेट्रोल है वो वेनेजुएला में मिलता है, जो कि 2 रुपये पर लीटर मिलता है। सिर्फ 2 रुपये लगते हैं आपके। और सबसे महंगा पेट्रोल वर्ल्ड में मिलता है जर्मनी में, तो उसका प्राइस है 200 रुपये पर लीटर। हाँ, जर्मनी में इतना महंगा पेट्रोल मिलता है आपको। हाँ, इंडिया में भी आई थिंक 200 रुपये चला ही जाएगा आने वाले कुछ सालों में, जिस हिसाब से अभी बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो अब अपन चलते हैं उधर और फ्यूल भरते हैं कार में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अमेरिका में फ्यूल कैसे भरते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होता है। आप मेरे आसपास देख सकते हो, कोई भी हेल्पर नहीं है। फ्यूल भरना है वो मेरे को ही भरना है। हाँ, तो ये मशीन है और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, तो पहले आपको ये कार्ड डालना है यहाँ पे। हाँ, तो इसके ऊपर आ रहा है अभी रिमूव नोजल और पुश बटन बिलो टू सेलेक्ट फ्यूल ग्रेड। तो इसमें सेलेक्ट करना है। हाँ, ये मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब
हाँ तो ऐसे फिर बढ़ता रहेगा ये। हाँ तो ये वाला प्रोसेस है, खुद को भरना होता है पेट्रोल। तो नो कर दिया मैंने, अब यहाँ पे आ गया थैंक यू प्लीज कम अगेन। तो ये होता है इधर, ओके ये तो भूल गई थी। हाँ तो अभी मैंने आपको दिखाया है कैसे पेट्रोल भरते हैं अमेरिका में, तो आपको खुद को ही भरना होता है पेट्रोल। यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होता है जो आपका आएगा और पेट्रोल भर देगा, खुद ही कार से उतरो, कार्ड स्वाइप करो और भरो। और अगर आपके आपको अगर कैश से भरवाना है पेट्रोल, आपके पास कार्ड नहीं है या कार्ड से नहीं भरवाना है, तो क्या होता है कि वहीं पे ये एक शॉप होती है पेट्रोल पंप की, वहाँ पे अंदर जाओ और उनको बोलो कि कैश चाहिए और इसका भर दो, वो फिर कैश ले लेंगे और उससे आपका फ्यूल भर जाएगा, लेकिन भरना आपको खुद को ही पड़ेगा। ऐसे ही होता है इधर। हाँ तो फिर यही चल रहा है बस, हर जगह ही फ्यूल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा होता है ना तो उसकी वजह से, और आपके ग्रॉसरी प्राइसेस हैं वो सब भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मैं पहले ब्रेड लेके आती थी $4 के आसपास की लेके आती थी, वो अभी 5 point something की मिलती है मेरे को, हाँ वो भी महंगी हो जाती है। तो ये सब डेली लाइफ में यही चल रहा है अब तो सब जगह। और मतलब पहले प्राइसेस नॉर्मल थे 2020 तक, हाँ, लेकिन 2021 के बाद से एक तो कोविड ने सबकी लगा रखी है, उसकी वजह से पहले सब कुछ महंगा हो रहा है, और फिर उसके बाद में अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से सब कुछ इधर उधर हो रहा है, कुछ महंगा हो रहा है सब। तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वी कैन ओनली विश कि सब जल्दी नॉर्मल हो जाए, सब शांत हो जाए। यही था आज के व्लॉग में, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ भी पेट्रोल या फ्यूल को गैस बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देती हूँ कि अमेरिका में फ्यूल को गैस बोलते हैं। तो ये सब गैस की प्राइसेस थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर हिट करो, और फिर मैं मिलूँगी आपको जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।